देखिए, स्टॉक मार्केट लर्निंग के काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बट मैक्सिमम लोगों को ना ये रहता है कि हम पेड कोर्सेज में ही ज़्यादा सीख पाएंगे या फ्री कोर्सेज में ही ज़्यादा सीख पाएंगे या फिर कहाँ से ज़्यादा सीख पाएं। देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर आप पेड कोर्स भी लेते हो, सिखाया सेम ही चीज़ जाता है, हो सकता है थोड़ा एडवांस वर्जन में सिखाया जाए, बट उसका अगर बेसिक आप नहीं समझ पाते हो तो एडवांस आप करके करोगे भी क्या, राइट? तो मैं आपको अभी तीन प्लेटफॉर्म ऐसे बताऊंगा जहां से आप पहले बेसिक लर्निंग कंप्लीट कर लो, एंड वहां से उसके बाद अगर आपको वो टॉपिक समझ में आए तो फिर ठीक है, आप किसी का पेड कोर्सेज वगैरह देखना हो तो देख लेना। पहले हमारी हाउ टू प्ले ट्रेड प्लेलिस्ट पूरी देखिए, 30+ वीडियोज़ हैं, उसमें काफ़ी कुछ आपको वहाँ पर सीखने मिलेगा। उसके बाद हमारी इन्वेस्टिंग प्लेलिस्ट और क्रिप्टो प्लेलिस्ट भी देखिए, अगर आपको उसमें से कुछ समझ में आए तो आपको यूटिलिटी वहाँ पे भी मिलेगी। उसके बाद मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, joinfinngrad.com, जहाँ पे ना वो लोगों ने नए नए अपने कोर्सेज और वेबिनार्स लॉन्च किए हैं, सबका फ्री एक्सेस दे रहे हैं वो व्यूअर्स को। कुछ का तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें 3-4 मेरे भी वीडियोज़ हैं, एंड बहुत सारे हमारे जैसे ही कंटेंट क्रिएटर्स के वहाँ पे वीडियोज़ फ्री में अवेलेबल हैं। ये हो गया, एंड उसके बाद ईलर्न मार्केट्स के काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खाली हमारे कोड को यूज़ करेंगे तो वो कोर्सेज आपके लिए फ्री हो जाएंगे। वो चीज़ों को आप देखिए, ये सब फ्री कोर्सेज को अगर आप कंप्लीट करते हो तो जो पेड कोर्सेज में आपको सिखाया जाता है ना, उसका 99% तो आपका यहीं कवर हो जाएगा। बस एक चीज आपको खुद से डेवलप करनी पड़ेगी जो 1% बाकी है, एंड जो कि मार्केट में 90% आपको इंपैक्ट करेगा, वो है रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। वो कोई सिखा नहीं सकता आपको, करते करते ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे वो चीजें डेवलप होती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि करते करते रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी डेवलप होगी, बट 99% चीजें जो आप सीख सकते हो वो आपको इन कंटेंट्स के थ्रू मिल जाएगा।